बताएं बताएं कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं। अच्छा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार मैं एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं, अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो वो तो दूसरी बात है, इलेक्शन तो करवाए ना, वो तो हमने नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाजे कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे, हमने दोनों जो थे आइनी अहदेदार सदर पाकिस्तान हैं और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आइनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा, तो हमने ये कहा कि आप जाके फौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हम आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाए, कि ये भाई पारी वो दें मैं दूं, अब इसी बहस में मेरे मुल्क तो इस तो मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन सर? वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफी भी हुए हैं और उन्होंने कहा है जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया गया। तो मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से, ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो अहदेदार हैं ये मुलव्वस हैं। वाकई कौन साहब हैं ये? लियाकत चट्ठा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। अगर उनके पास कोई सबूत है, पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक होता है? आइन में मेरे ख्याल में आठवां आइन का जो हिस्सा है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है, इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटिशन्स आती हैं, उनका हम फैसला करते रहते हैं, कभी कि मुझे अभी भी बहुत सारी की कि जी मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया, ये उसका मुखालिफ आता है कि इसको लड़ने ना दिया जाए, ऐसे इलेक्शन के केसेस तो हमने काफ़ी किए, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे कोलीग्स ने भी, बेंचेस लगी थी और ये हमने हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द जितने इलेक्शन के मैटर्स हैं जल्द से जल्द लगाएं और सारे हमने निपटा लिए जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि रोज़ाना इतने फाइलिंग होती है पता भी नहीं होता। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है, अब जिस तरह बातचीत चल रही है, मंडे को एक केस भी लगा हुआ है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से और वो आपकी अदालत में ही लगा हुआ है, तो जैसे आज ये इल्ज़ामात आए हैं तो क्या चीफ कमिश्नर जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उन्हें बुलाकर शवाहिद मांगे जाएंगे? ये पहली बात तो मैं जो केस लगे हुए उनके मुतालिक मैं बात नहीं करता हूँ, जो केस फैसले हो जाते हैं वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर आप भी राय दे सकते हैं, कोई भी राय देने का हक है। अगर कोई केस आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है पीर को, तो आप आके सुन लीजिएगा क्या होता है उस पर, मुझे नहीं पता। मैं तो अभी तो मैं दूसरे काम कर रहा था, अभी मैं लिख रहा था वो 62(1)(f) का जो फैसला था जिस पर हमने शॉर्ट ऑर्डर तो इशू कर दिया था, तो डिटेल रीजंस के लिए आ जाया हुआ था, मगर क्योंकि ये इधर काम हो रहा है इनको, ज़रा मैं देख रहा हूँ कि ठीक जल्दी हो जाए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि जैसे इन्होंने बताया 23 मार्च एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख में, तो कोशिश यही रहती है कि काम हम करें जल्दी से जल्दी।